हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज की क्लास में हम पैरेलल फोर्सेस का जो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है स्टैटिक्स का, उसके कुछ एग्जांपल्स हम ट्राई करेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जिनका एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसका मतलब आप लास्ट ईयर एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आए उनको आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं कुछ क्वेश्चंस, राइट। तो अब जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, इसके क्वेश्चन भी बहुत लेंथी है, ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि इसमें जो बेस्ड एग्जांपल अगर आप देखिएगा, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे, राइट। जो एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आया है वो भी मैं आपको करवाऊँगी। सो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है और क्या हमें करना है। यहाँ पर बेसिक मैं आपको करवा चुकी हूँ पैरेलल फोर्सेस का, जिसमें हम लाइक पैरेलल फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं। रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है लाइक फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का, राइट। एंड आप जो अपना कंप्लीट बीएससी या बीए कंप्लीट सिलेबस अगर आप करना चाहते हैं, सो न्यू एरा मैथ्स ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे अपने कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मैंने यहाँ पर लिया है। स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहते हैं। ए हैवी यूनिफॉर्म रोड 4 मीटर लॉन्ग, हैवी यूनिफॉर्म रोड मुझे दी गई है 4 मीटर लॉन्ग, रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन 2 पेजेस विच आर 1 मीटर अपार्ट। सबसे पहले तो स्टैटिक्स की डेफिनेशन अगर समझ आ जाती है तो समझिए कि क्वेश्चन हमारा हाफ हो ही जाता है वहाँ से, है ना। इस यहाँ तक देखते हैं हम एक यूनिफॉर्म रोड दिया गया है। सो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ यूनिफॉर्म रोड ए एंड बी, और इसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर। वो मैं हम बाद में डिफाइन करेंगे और दूसरे कलर से लेके चलेंगे हम इसको। फिर कहते हैं कि इसको ये हॉरिजॉन्टली हमने इसको ले लिया है, यूनिफॉर्म रोड हमने लिया यहाँ पे, ऑन 2 पैचेस विच आर 1 मीटर अपार्ट, यानी कि आप ये कहीं ना कहीं 2 पैचेस पर जो इसको फिक्स किया गया है सी एंड डी, और इनका जो डिस्टेंस है, इनका जो ये डिस्टेंस है ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1 मीटर, 1 मीटर, राइट। और जो हमारा ए बी रोड है दिस, ये डिस्टेंस है 4 मीटर, यानी कि हमारी जो ए बी रोड है इसकी लेंथ हमारे पास है 4 मीटर, ओके। ए वेट ऑफ 10 kg सस्पेंडेड फ्रॉम 1 एंड और अ वेट ऑफ 4 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द अदर एंड, एक वेट हमने यहाँ पे अप्लाई किया 10 kg वेट और दूसरे एंड पर हमने अप्लाई किया 4 kg वेट, ओके। एक ए पॉइंट पर लिया हमने और दूसरा वेट लिया हमने, क्या बोल रहे थे भाई, ए वेट ऑफ 10 kg सस्पेंडेड फ्रॉम 1 एंड अप्लाई कर दिया हमने और वेट ऑफ 4 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द अदर एंड विल जस्ट टिल्ट अप। फाइंड द वेट ऑफ द रोड, रोड का वेट आप फाइंड आउट कीजिए, जो आपके पास ए बी रोड है इसका वेट बताइएगा, एंड डिस्टेंस ऑफ द पैजेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड। डिस्टेंस ऑफ द पैजेस यानी कि जो आपने यहाँ पे लिया है ए पैजेस अप्लाई किए सी ओ डी, इनका आप डिस्टेंस बताइए कहाँ से, सेंटर ऑफ द रोड से, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझने की है सबसे पहले कि अगर यूनिफॉर्म रोड हमें दे दी जाती है हॉरिजॉन्टली, आप देख रहे हो ये हमने फिक्स कर दिया सी ओ डी, यहाँ पे हमने इनको फिक्स कर दिया है सी पॉइंट पर डी पॉइंट पर और वेट अप्लाई किया हमने बिल्कुल एंड पॉइंट्स पर, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रोड है सो इसका वेट इसके सेंटर पर अप्लाई होगा, यानी ओ पॉइंट पर इसका वेट एक्ट करेगा, किसका, रोड का। दिस डब्ल्यू हम ले लेते हैं वेट ऑफ दिस रोड एट ओ पॉइंट, राइट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सी ओ डी और सी ओ फाइंड आउट करना है। सी से डी तक की जो वैल्यू है, ये सॉरी डिस्टेंस है, ये हमें 1 मीटर दिया गया है। अब ये ज़रूरी नहीं है ये ओ पॉइंट सी ओ डी का मिड पॉइंट है, नहीं जी। अगर ये सी पॉइंट अगर आप देखिएगा सो ये यहाँ भी हो सकता है सी पॉइंट दिस, ओके। तो हमें बताना है कि ओ पॉइंट से डी जो पैज आपने अप्लाई किया है इसका डिस्टेंस क्या है और ओ से सी तक का डिस्टेंस क्या है। यहाँ पे ये 3 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। नाउ थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे फिगर में बता देती हूँ, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपने ओ लिया हमने वेट किसका, रोड का, रोड का वेट इसके सेंटर पर अप्लाई होगा क्योंकि हमें यूनिफॉर्म रोड दी गई है,
ओके तो सेंटर पर वेट हमने यहाँ पे लिया है एक ए पॉइंट पर, यहाँ पे वेट अप्लाई किया हमने। यहाँ से जो वेट फाइंड आउट करना है रोड का और डिस्टेंस निकालना है पैजेस से सेंटर ऑफ द रोड। सेंटर ऑफ द रोड क्या हुआ, ओ सेंटर ऑफ द रोड हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमने सी और डी पैजेस लिए हैं यहाँ पे, जैसे आपने ए वेट एंड पॉइंट पर एक्ट किया है, रोड इज़ अ यूनिफॉर्म कंडीशन, सो 10 kg वेट का जो प्रेशर है वो डी पॉइंट पर इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट पे हमने इस रोड को फिक्स कर दिया गया है। राइट दैट भाई, अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं रोड और इन टू पॉइंट से मैंने इसको फिक्स कर दिया, यानी कि ये यहाँ से नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप वेट अप्लाई करते हो सो इस सेकेंड फिक्स पॉइंट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके और जैसे आप 4 kg वेट अप्लाई करोगे तो सी पॉइंट पर कोई प्रेशर नहीं आएगा। ओके तो अब देखते हैं, मिड पॉइंट पर डब्ल्यू वेट डब्ल्यू के जी हो गया, ए पॉइंट पर आपने 10 kg वेट अप्लाई कर दिया, सो ऑपोजिट रिएक्शन भी तो अप्लाई होगा ना। ऑपोजिट रिएक्शन कहाँ जाएगा, जहाँ पे आपने फिक्स किया है, सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऑपोजिट रिएक्शन। इसको मैं ले लेती हूँ आर, किस पोर्शन का, ए से ओ तक का, ऐसे यहाँ से ओ से बी तक का। यहाँ पे अगर ऑपोजिट रिएक्शन देखें तो डी पॉइंट पर एक्ट करेगा, इसको ले लेते हैं एस। मेन जो आपको फाइंड आउट करना है सी ओ डिस्टेंस, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए और सी ओ डिस्टेंस एंड ओ डी डिस्टेंस। ओ डी डिस्टेंस हमें ये जो है वो बताना है कि ओ से डी तक की वैल्यू, सी से ओ तक की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी। राइट अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई, सी से ओ तक का डिस्टेंस मैं एक्स ले लेती हूँ और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे दिया गया है 1 meter। हमें बताया गया है कि जो पैजेस हैं वो 1 meter अपार्ट है। ओके तो ये डिस्टेंस कितना आ जाता है, 1 - x ओ से, ये ओ पॉइंट में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, दिस इज द ओ पॉइंट। ओके अब हमें ये पता है कि W जो वेट है वो रोड के मिड पॉइंट पर एक्ट करता है, दैट मीन्स ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी रोड का मिड पॉइंट है, अगर ए बी रोड का मिड पॉइंट है सो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि कंप्लीट जो लेंथ है इसकी ए से बी तक की लेंथ है वो 4 meter है, सो यहाँ पे हाफ ऑफ करेंगे तो इसकी हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 2 meter एंड दिस इज ऑल्सो 2 meter। ओके अब यहाँ पे हम देखते हैं ये कंप्लीट 2 meter है और O से D तक का डिस्टेंस 1 - x, तो मैं यहाँ पर निकाल सकती हूँ DB की वैल्यू, DB इज इक्वल टू OB माइनस OD, OB जो हमारे पास 2 गिवन है माइनस 1 - x दिस इक्वल टू 1 + x, सो ये जो डिस्टेंस आपको मिला ये मिला 1 + x D से B तक का। ऐसे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं ये 2 है कंप्लीट, इसमें से आप x माइनस कर दिए 2 - x। ये हमने किस लिए फाइंड आउट किया, क्योंकि सभी फोर्सेस आप देख रहे हो 10 kg W, 4 kg R या S जो अपोजिट रिएक्शंस हैं ये सभी पैरेलल फोर्सेस हैं। राइट अब यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है इस पर बात करते हैं, हमें डिस्टेंसेस सभी पता चल गए हैं। ओके अब यहाँ पे आपको सबसे पहले फोर्सेस बताने हैं कि कौन कौन सा फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, कितना एक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ वेट 10 kg एक्ट एट पॉइंट ए एंड डब्ल्यू एट ओ, डायरेक्ट ले देती हूँ मैं यहाँ पे एट ओ पॉइंट, और जो आर है आर एट सी पॉइंट। अब जो तीनों फोर्सेस हमने क्या कहा यहाँ पे, जैसे आपने ए वेट अप्लाई किया तो डी पर कोई प्रेशर नहीं जाएगा। राइट अब यहाँ से देखिएगा सी पॉइंट पर हमारा रिएक्शन जो एक्ट कर रहा है, इसका मतलब फोर्स 10 kg, फोर्स W एंड फोर्स R, इस तीनों फोर्सेज जो हैं ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं, यानी कि इसमें फिर कोई मूवमेंट नहीं होगा, किसी साइड ही टिल्ट नहीं करेगा, किसी साइड झुकेगा नहीं। ओके तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि तीनों फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। देयरफॉर वी कैन राइट R / 2
R बाय टू कैसे लेके चलना है आपको देखिए, अगर मैं रिएक्शन R इज द रिएक्शन, R फोर्स डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ अदर टू फोर्स कौन है 10 kg और W, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2 meter, सो R डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू ए पॉइंट पर जो वेट एक्ट करता है ये आप लेके चलिएगा, 10 डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन अदर टू फोर्स R और W फोर्स है, इनके बीच का डिस्टेंस है X, इज इक्वल टू W डिवाइड बाय अदर टू फोर्स का डिस्टेंस यानी कि 2 माइनस एक्स, कहाँ से कहाँ तक का, A से C तक का डिस्टेंस हमें लेना है, राइट right? तो यहाँ से मुझे W की वैल्यू मिल जाती है कि W की वैल्यू आप निकाल सकते हो किसकी हेल्प से, लास्ट टू फ्रैक्शंस ले लीजिए, नाउ टेकिंग 10 माइनस 10 डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ से W की वैल्यू मिल जाएगी हमें कि ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू 10, राइट, सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है W की जो हमसे पूछा गया था, W इज़ द वेट ऑफ द रोड, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है मैंने आपको, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे हमने लिया है W इज़ द वेट ऑफ द रोड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोड ए बी, है ना, एट एट पॉइंट हो, सो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पे। सेकंड हम लेके चलते हैं, जो सेकंड कंडीशन यहाँ पे आप देखिएगा कि वेट W एट ओ पॉइंट, वेट W एट ओ पॉइंट 4 kg एट बी पॉइंट एंड वेट S एट D पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है सो फिर से आप अप्लाई करिएगा इसको, क्या आता है S डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन अदर टू फोर्स यानी कि 2 इज इक्वल टू B, यहाँ से फोर्स ले लेते हैं 4 kg, 4 डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन अदर टू 1 माइनस एक्स एंड W डिवाइड बाय, यहाँ से हम ले लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन अदर टू इज़ अ 1 प्लस एक्स, राइट। हमें अब यहाँ पे क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना, W तो मुझे मिल गया, ओके यहाँ से W की वैल्यू मिल जाती है, अगर X की वैल्यू मिल जाए तो वापस हम पुट करेंगे यहाँ पे और हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर दीजिए, मतलब हमें यहाँ पे X की वैल्यू अभी पुट करनी है, ओके सॉल्व किससे करेंगे, आप लास्ट टू फ्रैक्शन ले सकते हो, मीन्स 4/1 माइनस एक्स इक्वल टू W की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू 10, यहाँ से सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ से जो इक्वेशन आ रही है यानी कि एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, एक्स इज इक्वल टू 2/5 या फिर 2/3, ये देखना कि एक्स की वैल्यू 5 हम लें, एक्स की वैल्यू 2/3 लें, इसमें से कौन सी वैल्यू आएगी, एक्स इक्वल टू 5 यानी कि अगर मैं एक्स की वैल्यू 5 मीटर ले लेती हूँ, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पूरी जो रोड आपके पास है ए से बी तक का डिस्टेंस 4 मीटर है, तो इतना डिस्टेंस पास कैसे हो सकता है ना, तो हम यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टिंग एक्स इक्वल टू 5 एंड टेकिंग x इक्वल टू 2/3 यानी हमें डिस्टेंस बताना था जो ओ पॉइंट से मिड सेंटर ऑफ दिस रॉड टू फर्स्ट पैच, ये आ जाएगा 2/3, यहाँ से आप निकाल सकते हो अदर 1 - 2/3 इज ए 1/3, ओके और यहाँ से हमें क्या चाहिए W की वैल्यू, सो W इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको, x इक्वल टू 2/3 डिवाइड बाय 2/3 इंटू 10, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 20 kg, ओके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे कई क्वेश्चन हैं आपके एग्जांपल्स में भी हैं और एक्सरसाइज में भी है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट अगर समझ आ जाता है तो काफ़ी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एट अ पॉइंट ऑफ ए बॉडी, दो पैरेलल फोर्सेस हमें दिए गए हैं पी एंड क्यू, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे करवाया है और मैंने इस लास्ट वीडियो में भी करवाया था एक क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके सो क्या कहते हैं कि पी और क्यू हमें लाइक पैरेलल फोर्सेस दिए गए हैं, इफ क्यू बी चेंज्ड टू पी स्क्वायर बाय क्यू, यानी हमें क्यू को चेंज करना है, शो दैट लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज द सेम एज इट वुड बी If the force were simply interchanged,
स्टेटमेंट समझते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं कि हमें दो पैरेलल फोर्सेस दिए गए हैं, सो मैं दो पैरेलल फोर्सेस ले लेती हूँ, फोर्स पी एंड फोर्स क्यू। मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख देती हूँ। फर्स्ट किस लिए कि पहले कंडीशन में सिंपली हमने पी और क्यू फोर्स लिए, राइट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो मैं ले लेती हूँ सी, इनका सी पॉइंट पर एक्ट करेगा रिजल्टेंट, ओके। अब हमें जो बोला गया है यहाँ पे कि अगर मैं Q को इंटरचेंज कर दूँ P स्क्वायर बाय Q से, सो सेकंड कंडीशन में P तो P ही रहेगा और Q को चेंज कर दिया हमने P स्क्वायर बाय Q से, ओके। देन रिजल्टेंट क्या होगा, मान लेती हूँ कि मैं C डैश पर इसका रिजल्टेंट आ जाता है, राइट। सो अगर हम फिर एक कंडीशन और लगाता है, फिर क्या कह रहा है कि शो कीजिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज द सेम एज इट वुड बी द फोर्सेस वर सिंपली इंटरचेंज। अगर मैं थर्ड कंडीशन ये कहता है कि अगर मैं फोर्सेस को इंटरचेंज कर दूँ, क्यू को पी इस पे अप्लाई कर देती हूँ और क्यू जिस जो लाइन ऑफ एक्शन क्यू की है उस पे मैं पी फोर्स अप्लाई कर देती हूँ, तो लाइन जो रिजल्टेंट की लाइन ऑफ एक्शन है रिजल्टेंट का, वो इस कंडीशन के इक्वल आए। So, पहले जो गिवन है कंडीशन उसका हम यूज करते हैं। प्रूव कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखिएगा। फर्स्ट आप हम ये बताएंगे कि हमने ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया और इस पर हमने पी फोर्स अप्लाई किया स्टार्टिंग में, जो मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने क्यू फोर्स अप्लाई किया, राइट। तो फिर हमने क्यू को इंटरचेंज किया किसमें, पी स्क्वायर बाय क्यू से, और इसका रिजल्टेंट कहाँ पहुँच गया, सी डैश पर, ओके। थर्ड कंडीशन में मैं ले लेती हूँ कि C डबल डैश पर रिजल्टेंट आ जाए, जैसे मैं इंटरचेंज करती हूँ रिजल्टेंट खिसक कर C डबल डैश पर आ जाता है। सो जैसे हम एक फोर्स हमारे पास P हो गया, सेकंड Q फोर्स को हमने, यानी कि मैं सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जैसे सेकंड कंडीशन हम लेके चलते हैं रिजल्टेंट C की जगह पे C डैश पर आ जाता है, ओके। तो अगर मैं इसका रेशियो अगर अप्लाई करूँ कि P डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन अदर टू, कितना आएगा C डैश B, या बी सी डैश लिख दीजिए, एंड जो अदर फोर्स है हमने यहाँ पे पी लिया है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, पी स्क्वायर बाय टू, पी स्क्वायर सॉरी क्यू, पी स्क्वायर बाय क्यू डिवाइड बाय अदर डिस्टेंस बिटवीन अदर टू फोर्स कौन, रिजल्टेंट और पी फोर्स के बीच का डिस्टेंस, ये आ जाएगा ए सी डैश, राइट। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, पी इंटू ए सी डैश इक्वल टू बी सी डैश इंटू पी स्क्वायर बाय क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ही हमने इनको इंटरचेंज किया, थर्ड कंडीशन पर आ जाइए, हमने इनको इंटरचेंज कर दिया, ये और ये लेके चलेंगे अब हम, तो हमने लिया कि जो रिजल्टेंट है वो सी डबल डैश पर आ जाता है, ओके। सो अब यहाँ पे अगर मैं रेशियो लेके चलते हूँ किसका, दिस इज द क्यू फोर्स, क्यू फोर्स डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन अदर टू फोर्स। अब यहाँ पे आपको सी डैश भी नहीं लेना, क्योंकि मैं इनको चेंज कर चुकी हूँ, तो रिजल्टेंट भी तो पोजिशन चेंज करेगा ना। हमने लिया कि सी डबल डैश पर आ जाते हैं। हम प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि अगर मैं पी को पी रहने दूँ, क्यू को पी स्क्वायर बाय क्यू में चेंज कर दूँ, तो रिजल्टेंट सी डैश पर आ जाता है। फिर कहता है कि अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूँ, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे पी, तो भी रिजल्टेंट सी डैश पर ही आएगा। ये हम प्रूव करेंगे, लेकिन हम लेके चलते हैं कि सी डबल डैश पर आ गया हमारा रिजल्ट, जैसे ही मैंने यहाँ पे नेक्स्ट चेंज किया, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, पी को मैंने चेंज कर दिया क्यू से और क्यू को चेंज कर दिया पी से, देन रिजल्टेंट एक्ट एट सी डबल डैश, एक्ट एट सी डबल डैश। सो हम यहाँ से अगर रेशियो अप्लाई करें, क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन अदर टू फोर्सेज सी डबल डैश बी इक्वल टू पी डिवाइड बाय ए सी डबल डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, हमें आर का यूज़ नहीं करना, इसलिए हम इक्वल थर्ड नहीं लेके चल रहे कि आर डिवाइड बाय ऑफ जो हो वो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, नहीं हमें इसका यूज़ ही नहीं करना, हम दो लेके चलेंगे यहाँ से। सो इसको मैं लिख सकती हूँ ए सी डबल डैश इंटू क्यू इक्वल टू पी इंटू सी डबल डैश बी, राइट। इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेते हैं, ओके। अब यहाँ से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर मैं डिवाइड करती हूँ, पी ए सी डबल डैश ए सी डबल डैश डिवाइड बाय, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड है ए सी डबल डैश क्यू इज इक्वल टू बी सी डैश पी स्क्वायर बाय क्यू डिवाइड बाय, ये डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू इंटू पी सी डबल डैश बी,
क्यू से क्यू कैंसिल, पी से एक पी कैंसिल और ये पी इस फोर से कैंसिल, यानी कि ये मेरे पास अगर सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है ए सी डैश डिवाइड बाय ए सी डबल डैश इक्वल टू बी सी डैश डिवाइड बाय सी डबल डैश बी। सो यहाँ से फिर से हम इसकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, ए सी डैश डिवाइड बाय बी सी डैश इक्वल टू ए सी डबल डैश, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं सी डबल डैश बी। अब आप देखिएगा ए डिवाइड बाय बी सी डैश से मल्टीप्लाई किया और ए डिवाइड बाय बी सी डबल डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसका मतलब ये है कि सी डैश एंड सी डबल डैश जो ए और बी लाइन को सेम रेशियो में जो डिवाइड करते हैं, राइट, डिवाइड्स ए बी इन सेम रेशो, और अगर सेम रेशो में कट करेंगे इसका मतलब सी एंड सी डैश सॉरी सी डैश एंड सी डबल डैश आर कंसाइड, यानी कि ये एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे क्योंकि दोनों पॉइंट ए बी लाइन को सेम रेशो में कट करते हैं। ओके अगर सेम रेशो में कट करेंगे जो सी डैश पॉइंट कहाँ पे जाएगा, सी डैश पॉइंट पर आएगा। सो रिजल्टेंट जो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, अगर हम इसको सेकंड को थर्ड और यहाँ से अगर हमने एक कंडीशन ये अप्लाई किया थर्ड हम इंटरचेंज कर देते हैं तो रिजल्टेंट वही रहेगा। ओके सो ये आज की लेक्चर में हम केवल यही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट एग्जाम में आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।